जैकलिन ने क्या डांस किया, पहले मैं जैकलिन के बारे में बोलेगा, क्या दिख रही है भाई उसका। लास्ट मैंने से बागी टू में नाचते हुए देखा, तो एक दो तीन में किच्चा सिरसा जो डांस किया है ना, और जो ऐसा टन टन टन, अरे यार किच्चा भाई तुम तो यार एकदम स्मार्ट दिख रहे गाने में, डायलॉग भी कड़ा, एंट्री भी कड़ा, अभी तो डांस, ऊपर से तुम्हारे साथ जैकलिन। मैं तो सोच रहा था, मेरे को लगा शायद नोरा फतेह को लेंगे, बट जैकलिन ने ऐसा कमाल लिखा ना, जैकलिन ने ऐसा कमाल लिखा ना कि नो। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों रा रा रकम्मा सॉन्ग आ चुकी है, वो भी वीडियो सॉन्ग, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो कॉमन मैन अलेक्स भाई एंड अभिनाश भाई। इन्होंने देखी है वीडियो में, कैसी लगी सर आपको ये सॉन्ग? भाई सॉन्ग का तो पहले मैंने जब देखा था वो मोशन पोस्टर के साथ में आया था गाना, तो मेरे को तब से पसंद आ गया था। आज इसका ऑडियो सॉन्ग मतलब वीडियो सॉन्ग आ गया, सॉरी ऑडियो सॉन्ग नहीं वीडियो सॉन्ग, भाई ये थिएटर में ना आग लगा देने वाली, पूरा अंगार लगाने वाले, बोले ना गाना सुनने नहीं मिलेगा, पब्लिक की सीटियाँ बजेगी, ये सब सुनने में आएगा। तो जब वो बैकग्राउंड मतलब जब वो सीन आएगा ना, तब से पब्लिक चालू आएगी। जैकलिन ने क्या डांस किया, पहले मैं जैकलिन के बारे में बोलेगा, क्या दिख रही है भाई उसका। लास्ट से मैंने से बागी टू में नाचते हुए देखा, तो एक दो तीन में, फिर अब भी जाके एनर्जेटिक में अब भी आई है नाचने में, पूरा मतलब घुस गई है गाने में, जो एकदम क्यूट दिख रही है, मतलब एकदम मतलब बोले ना कि जैसे पहले के जो अपने हेलन मैम वो सब लोग जो मतलब आइटम सॉन्ग करते थे, जैसे सनी लियोन ने भी कर चुकी है, ये तो यार अलग ही लेवल पे लेके गई है आइटम सॉन्ग को, फाड़ दिया है पूरा। मतलब नोरा फतेही जी भी सिर्फ अपना कमर ही लाती है इससे, तो यार पूरा मतलब एकदम किच्चा सिरसा जो डांस किया है ना, और जो ऐसा टन टन टन, अरे यार उस पर अभी आता किच्चा भाई के पास, किच्चा भाई तुम तो यार एकदम स्मार्ट दिख रहे गाने में, मतलब तुम्हारा गाना तो एक तरफ, तुम्हारा पर्सनैलिटी देख रहा हूँ मैं गाने में, टोपी शर्ट उसके ऊपर जैकेट जूते, हाँ तुमने तो मेरे को यार मेरे बर्थडे का जो मैं कपड़ा लेने का सोच रहा था ना, आपने कमरा कन्फ्यूजिंग ही दूर कर दिया, ऐसे ही कपड़े सिलाऊंगा मैं अभी, रेडीमेड नहीं मेरा सिलाऊंगा मैं, क्या हाफ शर्ट है ऊपर से जैकेट पहना है टोपी, क्या दिख रहे। और जो डांस किया उन्होंने जैकलिन के साथ, कभी उनको नाचते हुए देखा है मैंने? कभी नहीं। उनके मैंने दो ही मूवी देखी अभी तक, मक्की और हमारी ये दबंग 3, विलन का रोल किया था इसलिए कुछ मतलब डांस मिस नहीं, ये हीरो के रोल में लीड एक्टर में, और क्या डांस किया, परफॉर्मेंस किया यार, बोले गाने के लिए ना एकदम गुजबम वाला गाना है ये, जब मूवी के अंदर आएगा ना जब गाना, फाड़ देगा ये गाना सच में, बड़ा पर्दे फाड़ देगा हमारे कान के, मतलब कान का पर्दे भी फाड़ देगा, इतना पब्लिक चिल्लाएगी, मैं खुद चिल्लाऊंगा वो गाने के लिए, 3D में 2D में जितना भी हो भाई मैं तो चिल्लाऊंगा ही, तो हम लोग को नाचने लगेंगे, साइलेंट थिएटर भी रहेगा ना मैं फिर भी चिल्लाऊंगा, जैकलिन बाजू में नाच रहा, अरे यार पूरा मतलब मैं आज जब देखा वीडियो मैं तो एकदम हैरान, बोला मैं बार बार देखा, मैं सुबह से 4 बार देख चुका है वीडियो इसलिए। बाकी भाई बोलेंगे सॉन्ग क्या बोलो किच्चा भाई यार, भाई ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये मूवी में है ना तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक्शन कड़क, डायलॉग भी कड़क, एंट्री भी कड़क, अभी तो डांस, अरे यार मतलब नहीं बोल के मैं जहाँ तक मेरे को पता है, मैं साउथ में आपको देखा है पर इतना कभी इनिशिएट डांस में डाला नहीं है, और ये फर्स्ट मूवी है जिसमें आप इतना जान घुसा दिया, एकदम बोलते हैं ना पूरा घुसी गया विक्रांत रोना में, ऐसा लग रहा है आप ही विक्रांत रोना हो, किच्चा सुधी नहीं हो विक्रांत रोना आप ही हो। तो इतना मतलब मेरे को लग रहा है ना ये जो मूवी आएगा ना जब बहुत धमाक आएगा, इनफैक्ट एक ही दिन बाकी है जहाँ तक मेरे को पता है, एक दिन का गैप है बस समझो, एक दिन में मतलब इनफैक्ट अभी भी पब्लिक इतना पागल है ना क्या बोलूँ, बस ये सॉन्ग ने तो हिला के रख दिया, पहला तो खाली ट्रेलर ने हंगामा मचाया था, ये सॉन्ग ने पूरा आग लगा दी ले, और किच्चा सुधी भाई तुम्हारा तो भाई जवाब ही नहीं सच में, ऊपर से तुम्हारे साथ जैकलिन, मैं तो सोच रहा था मेरे को लगा शायद नोरा फतेही को लेंगे, बट जैकलिन ने ऐसा कमाल लिखा ना, जैकलिन ने ऐसा कमाल लिखा ना कि नोरा फतेही को है ना बुरा लगे कि ये डांस शायद से मेरे को मिलना चाहिए था, ये सॉन्ग मेरे को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो टक्कर का डांस किया उसने नोरा फतेही का, मतलब इन शॉर्ट है ना नोरा फतेही को खुद मतलब बुरा लगेगा कि क्या है ये वैसा, तो बहुत मजा आया सच में, और एक दिन का गैप है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, तो रहा नहीं जा रहा है ऐसा है, बस लगी तो देखना है खत्म। मैं तो अभी ऐसा है कि गाना कब है पर्दे पे यार, मैं चिल्लाओ किच्चा यो फुल चिल्लाते रहो बस, पे ये गाना खत्म नहीं हो तब तक, बस इतना ही बोलूंगा मैं। रेटिंग भाई रेटिंग इसको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक मतलब थिएटर में फाड़ देगा ये गाना, मतलब फिर भी आप बोल रहे रेटिंग, तो मैं 10 में से 10 दूंगा गाने को, क्योंकि एकदम गुजबंग वाला सॉन्ग है,
मतलब बोले ना यार कि बहुत टाइम बाद को आइटम सॉन्ग नहीं, मतलब अभी जो भी आइटम सॉन्ग वगैरह खास नहीं था या फिर रीमेक बना रहे थे, ये कुछ अलग नया लेके आया जो मतलब पार्टीज या कुछ ऐसे बार भी में बजेगा ना पब्लिक हिल हिल के नाचेगी गाने पे। और देखले ने तो अपना पूरा जोश ही बता दिया इसके अंदर। बस ये जो सॉन्ग था इसके पहले है ना आई थिंक सो लास्ट टू लास्ट भी एक महेश बाबू का पिक्चर था सरकारी वारू पाटा, उसमें भी सेम टाइप का ये लास्ट वीक वही तो बोल रहा लास्ट टू लास्ट वीक तो उसमें भी सेम ऐसे ही सॉन्ग था जहाँ तक आपको देखा जाएगा ना, तो इससे ना थोड़ा कनेक्टेड है, वो भी धमाका मचाएगा ना ये भी धमाका मचाएगा, समझ रहा है? मतलब उधर अलग वो गाने ने अलग छाप छोड़ा, अब ये गाना भी छाप छोड़ेगा, मतलब हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ते आ रहा है, वो भले मूवी में हो या सॉन्ग में हो ऐसा है। तो ये गाने के लिए मतलब स्टार मतलब का नहीं है यार, ये गाने पर तो चिल्ला पुकारा होना चाहिए और डांस करना चाहिए स्टेप्स, ऐसा ही चिल्लाने में स्टार मिल गया इसलिए। बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।